हर एक चीज ऐसी जो दुनिया में अच्छी से अच्छी हो, लेकिन लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। उसकी बुराई करने वाले धरती पे कभी खत्म नहीं होंगे। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे, तो लोगों ने कहा रहे मूर्खो सारो तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया, अब दादा बैठ गया पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊँट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे साले गधे के ऊपर दो दो लोग लेंगदे की तरह बैठ रहे हैं, साले मारेंगे इस जान को, जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर दो बैठ रहे हैं मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊंच लिया। अगले गांव में अरे मूर्खो अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊंच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है। जगत की चिंता मत करो, आलोचना के बाद भी आगे बढ़ते रहो। और ये आलोचना, एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूं, कुछ है नहीं, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही होता है अपॉर्चुनिटी जो ये मौका और ये जो फ्री टाइम सिर्फ पॉसिबल होता है डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम सेक्टर में। अभी हम एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दूसरा एक जगह पे जा रहा है, तो इतना अच्छा अच्छा नज़ाराना और इतना अच्छा जो नेचुरल व्यू सोचा है एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखो, और अच्छा अच्छा गाना भी सुन के भी जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में ये बहुत अनबिलीवेबल जो अपॉर्चुनिटी वो होता है, और इसमें सिर्फ यही में मिलता है। सो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप सोच सकता है कुछ भी काम करने से पहले उसका बारे में अगर आप सोच सकता है तो डेफिनेटली वो आप कर सकता है। इस दुनिया में जो भी बंदा जो भी कामयाब हुआ है थोड़ा सा छोटा सा सोच से ही हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हम लोगों का लीडर है, बहुत सारे का डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे आदमी है सोचता है ये हम कैसे करेगा, तो ये आप मत सोचो। अगर सोचना है तो आप ऐसे सोचो हम करके दिखाएगा, और इसका जो रिजल्ट ये जो आप लोगों का सामने बहुत सारे लीडर बहुत सारे आदमी को आज का डेट में सक्सेस मिल चुका है। और सबसे बड़ा बात है ये जो केबीशन मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो फुल्ली हेल्थ का ऊपर में जो कंपनी हेल्थ केयर पर्सनल केयर कॉस्मेटिक FMCG एग्रीकल्चर इतना सारा प्रोडक्ट लेके कंपनी जो अभी लॉन्च हुआ है और दो चार साल से अभी रनिंग चल रहा है, लॉकडाउन के लिए तो दो साल काम नहीं कर पाए हम लोग, अभी काम कर रहा है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप लोग भी जुड़िए और एटलीस्ट आप आपका खुद का डॉक्टर बनिए और आपका फैमिली का डॉक्टर आप बनिए, और अपना हेल्थ का भी आप ख्याल रखिए, और आपका जरिए और दूसरे को भी आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़िए, देखिए उसके बाद कैसा होता है और कितना सुंदर लगता है। तो बाहर से जो आप लोग सोचता है वो ऐसा नहीं है, अंदर में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें सम्मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, पैसा मिलता है, और उसके बाद आपका जो आप सोच नहीं सकता है जो आप सोच नहीं सकता है, इतना आपको आज़ादी टाइम इतना आज़ादी नेचुरल व्यू देखने के लिए आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।